के अभिवादन करेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में अब कृपा पूर्वक समय देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय सिंधिया जी भी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों से सिंधिया जी का भी स्वागत करें। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि चित्रों के सामने पुष्पांजलि प्रज्वलन का साधन कहां है, दीप जलाने का साधन कहां है। अरे अब तो बंद रखा है तो अब तो जलाना ही पड़ेगा। विनोद यादव जी दीप प्रज्वलन करवाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय अध्यक्ष जी दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करते, जोरदार तालियां एक बार सभी लोग। भारत माता की। सिंधिया जी भी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, सभी लोग दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हम सब नारा लगाएंगे भारत माता की। माननीय गणेश सिंह जी सांसद हमारे बीच में है, फग्गन सिंह जी हमारे बीच में है, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच में है। सभी अतिथि दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि देते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कन्या पूजन का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कन्या पूजन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसी हमारी परंपरा है कि हम जब कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो उसके पहले ईश्वर की आराधना करते हैं। हमारे अतिथि अभी भगवान कामतानाथ के दर्शन पूजन करके यहाँ पधारे हैं, संतों को प्रणाम किया है और अब कन्या पूजन का काम कर रहे हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारा लोक व्यवहार है, जिसका पालन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मैं चलो जाओ, बुके लेके जाओ, वहां से जगह नहीं, यहीं से जाने दो, वहां जगह नहीं। चलो अब मैं मध्य प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। लेके जाओ यार, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए, जरा गौरवपूर्ण क्षण के लिए तालियां बजती रहे, लगातार बजती रहे। अब मैं सांसद गणेश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें गणेश सिंह जी। और मैं
हमारे जो यात्रा के सह संयोजक हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। एक बड़ी माला से हमारे मंडल के अध्यक्ष, दोनों मंडल अध्यक्ष, चारों मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी, सांसद जी और उमेश जी, बड़ी माला से आप भी आए। माननीय विधायक गण, सतना के हमारे विधायक गण आ जाएं, विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र जी, बड़ी माला से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। दो छोटी छोटी औपचारिकताएं मैं सतीश जी से, जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा। हमारे पटेल साहब भी आ गए, रामखिलावन पटेल जी भी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं सतीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि प्रथम पंक्ति में विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों का पुष्पमाला से स्वागत करें, पुष्पमाला से स्वागत करें सतीश जी। दो छोटी औपचारिकताएं हैं, एक बनवासी राम का चित्र है, सांसद श्री गणेश सिंह जी, वो बनवासी राम का चित्र जो है गणेश सिंह जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। ये चित्रकूट की पावन धरती है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के लगभग 12 वर्ष यहां गुजारे थे और ये तपोभूमि है भगवान राम की, और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनवासी राम का चित्र भेंट करते हुए सतना के सांसद श्री गणेश सिंह जी। एक औपचारिकता और है, बांदा के सांसद हमारे बीच में है, वो गदा भेंट करके, बांदा के सांसद श्री पटेल साहब हमारे बीच में है, वो गदा भेंट करके जोरदार तालियां जरा एक बार गदा की अनुपम भेंट के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी मंच के अतिथियों का स्वागत सतीश जी और उमेश जी कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करता हूं सतना के सांसद आपके लाडले नेता गणेश सिंह जी से कि वो आए। एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करबद्ध निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, संतों को यहीं से प्रणाम करेंगे। तीनों लोग आके एक बार संतों को प्रणाम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी, आप सबका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। जोरदार तालियां एक बार जरा सभी हमारे पूज्य संतों के लिए उनके सम्मान में। और अब मैं गणेश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि गणेश सिंह जी अपना प्रस्तावना भाषण और स्वागत भाषण कहें। आदरणीय गणेश जी, भारत माता की एक बार जोरदार तरीके से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तरीके से भारत माता का जयकारा करिए। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जन आशीर्वाद यात्रा के आज प्रथम दिवस भगवान राम की इस तपोभूमि से प्रारंभ हो रही इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय यशस्वी अध्यक्ष परम श्रद्धे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस राज्य को बीमारू राज से एक विकसित राज्य बनाने तक का सफर यहां तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री
और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे संगठन के इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हमारे संगठन के राज्य के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, हमारे राज्य के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, हमारे आदरणीय मंत्री मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी संगठन के हमारे नेतागण, पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित, चित्रकूट क्षेत्र से गांव-गांव से आए हुए हमारे सभी बुजुर्गण, भाइयों बहनों, हमारे सभी युवा मित्रों, सबसे पहले मैं सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको एक बार निवेदन करता हूं कि सभी लोग तालियां बजा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेताओं का तथा प्रदेश के सभी नेताओं का स्वागत करें तालियां बजा करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धरती भगवान राम के वनवास काल की धरती है। 11.5 वर्ष तक भगवान राम यहाँ पर रहे, ये वो पुनीत धरती है जहां से भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने थे। ये वो ही धरती है जहां 1857 की लड़ाई में ये बगल का पिंडरा गांव, जहां सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। मैं इस पुनीत धरती में आपका यहां पर उपस्थित सभी नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जन आशीर्वाद यात्रा आज जिसकी यहां पर शुरुआत हो रही है, ये यात्रा भगवान राम की तपोभूमि से शुरू होकर ओरछा में राजा राम के दरबार में इसका विश्राम होगा। इसके बाद 25 तारीख को भोपाल में कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ आयोजित किया गया है और उस महाकुंभ में लाखों लाख कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से पहुंचेंगे। हटा दीजिए उसको। भारतीय जनता पार्टी आज देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का चौमुखी विकास कर रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश के एक एक कोने में विकास पहुंचाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बदौलत ही डबल इंजन की सरकार विकास का मॉडल बन चुकी है। आज अयोध्या में भगवान राम का अगर मंदिर बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यह संभव हो सका है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, अगर ये संभव हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के कारण संभव हुआ है। आज कश्मीर से धारा 370 हटी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण हटी है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ में आज एक एक स्थान ऐतिहासिक बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण बना है। आज संत रविदास जी का एक बहुत बड़ा वहां पर स्थान बन रहा है सागर में, ये इसलिए संभव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा
सरदार सरोवर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बनी है। आज दिल्ली में राजपथ कर्तव्य पथ बना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहने के कारण हुआ है। आज दिल्ली में हमारे सेना के जवान जो शहीद हुए उनका शौर्य स्मारक बना है, तो आज अगर ये हो सका है तो माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। आज देश में एक नई संसद बनकर के तैयार हुई है, अगर ये संभव हो सका है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के कारण हुआ है। आज देश में 11 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में सीधा पैसा जा रहा है, अगर ये काम संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के कारण हुआ है। 4 करोड़ गरीबों के पक्के घर बने हैं, अगर ये संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहने के कारण हुआ है। 10 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंची, अगर ये संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहने के कारण हुआ है। इतने अनेकों काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके गरीबों का जीवन बदल दिया है, आज गांव में खुशहाली का माहौल पैदा किया है। आज देश का गरीब महसूस कर रहा है हमारी समस्याएं अब समाधान की ओर चल पड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से इस बात को साबित कर दिया कि मैं इस देश के अंदर मैंने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज वो जन जन तक पहुंच रहा है। आज देश चौमुखी विकास कर रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही आप सबकी सच्चे साथी के रूप में काम कर रही है। हमारी सरकारें आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान कर रही है। आइए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पुनः सत्ता प्राप्त हो उसके लिए आशीर्वाद देने का काम करिए। दोनों हाथ उठाइए, बांधिए मुट्ठी और आशीर्वाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पिंडरा के सहित यहाँ पर बाबा दलगंजन सिंह के नेतृत्व में 1857 में एक विद्रोह हुआ और उनकी शहादत हुई। आज उनके परिवार के लोग, उनके प्रपौत्र और उनके बेटे श्री अभय प्रताप सिंह और श्री आदित्य प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। साथ ही डॉक्टर सपना वर्मा जी जो प्रमुख समाज सेवी हैं और जिनके अपने पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बीमारी मुक्त भारत का प्रकल्प स्थापित कर रही हैं, अपनी संस्था के माध्यम से मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, ये लोग हमारे दल की सदस्यता ले रहे हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हमारे इन मेहमानों का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको अपना उद्बोधन दें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय अध्यक्ष जी का। बोलिए भारत माता की। अरे आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पधारे हैं। ये आवाज यहाँ से जन आशीर्वाद लेने आए हैं। आज यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में आवाज पहुंचनी चाहिए इस भगवान राम की, इस पुण्य भूमि कर्म भूमि से, कि आज लोगों को लगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज विजय का आह्वान इस चित्रकूट से कर दिया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र की। आज हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के
2023 के चुनाव के जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के आज इस कार्यक्रम में इस देश की पवित्र भूमि भगवान श्री राम की वो पुण्य भूमि जिन्होंने इस भूमि पर 11 साल 11 महीने और 11 दिन इस भूमि में बिताए हैं, ऐसी इस पुण्य भूमि पर आज जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मंच पर उपस्थित हमारे संपूर्ण हमारा नेतृत्व मध्य प्रदेश का। और मैं आप आज इस चित्रकूट की पुण्य भूमि पर, इस पावन भूमि पर मैं सभी संतों का, जिनके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करके आज आप सब लोगों के बीच मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार हम अभिनंदन करें। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच पधारे, आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में जो जनता जनार्दन आज इस चित्रकूट की जनसभा में आज जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आज इतनी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं, मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, मेरी जनता जनार्दन, मेरे कार्यकर्ता, आज हम सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस पुण्य भूमि पर आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हैं। मित्रों, इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 2003 का मध्य प्रदेश था, ये कांग्रेस के मिस्टर बंटाधार और दुरावस्था का दौर इस मध्य प्रदेश के अंदर था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया। विकास के आज चारों तरफ हम देखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और मंच पर बैठा हुआ जो हमारे सम्मानित सांसद विधायक सभी हमारा नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, उन सबके नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से हर गरीब के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूं कि जो कुछ करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हमने जो किया है, केवल वादे और नारे नहीं दिए, गरीब कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जो अकाउंटेबिलिटी के साथ जो किया है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जन आशीर्वाद लेकर के यहां से निकलेगा। और उसका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दुनिया के सबसे बड़े दल के नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक एक गांव और गरीब के अंदर जनता जनार्दन के साथ संवेदनशीलता के साथ काम किया है, हमें संतों का आशीर्वाद है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो भूमि है, ये भूमि तो संकल्प की भूमि है, भगवान श्री राम ने संकल्प लेकर के कि दुराचारी और आताताई शक्तियों का, राक्षसी शक्तियों का कैसे इस देश के अंदर अंत होगा, ये संकल्प भगवान श्री राम ने यहां से लिया था। और आज हम सब लोगों को आशीर्वाद है, मुझे इस बात का गर्व है, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जन आशीर्वाद की शुरुआत भगवान श्री राम की इस पुण्य भूमि से, इस संकल्प भूमि से हो रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आज यहाँ पर संकल्प लेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष कि आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए निकलेंगे। 5 यात्राएं निकलेंगी, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, हमको आशीर्वाद हमारे कार्यकर्ताओं को तो देंगे ही, जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। 5 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो मंडला और श्योपुर से जन आशीर्वाद का शुभारंभ करेंगे। 4 तारीख को माननीय गृह माननीय रक्षा मंत्री हमारे
राजनाथ सिंह जी आएंगे और 6 तारीख को नितिन गडकरी जी आएंगे, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। मैं आज सब लोगों को आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए कि जो जनता जनार्दन आज यहाँ पर उपस्थित है, आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, जो विकास और गरीब कल्याण जो एक सबसे बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे संतों के आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मध्य प्रदेश की इस पुण्य भूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप हमारे शुभंकर हैं और अब मैं पूरे सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा। जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सबको अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बोलिए भारत माता की। कि भगवान राम की भूमि है और जयकार ऐसा गूंजे कि पूरे मध्य प्रदेश में पता चल जाए जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हो रही है। बोलिए भारत माता की। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, चित्रकूट धाम की, मैहर वाली मैया की, संत समाज की और जनता जनार्दन की। आज हम सबका सौभाग्य है जनता से आशीर्वाद लेने, क्योंकि संघर्ष का शंख फूक गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक और एक आइडियल नेता आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा जी, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर नड्डा जी आपका मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय मुरलीधर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे चुनाव समिति के प्रबंधक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्रीगण आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम जी, राजेंद्र जी, आदरणीय हितानंद जी, अब चूंकि भरा पूरा मंच है, हमारे सांसद भाई गणेश सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के उम्मीदवार भाई सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, ताली बजा के उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि यहां तो उम्मीदवार घोषित है हमारे। और मैं राम खिलावन जी हमारे मंत्री, हमारे सारे आदरणीय विधायकगण, सांसदगण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे संतगण यहाँ बैठे हैं। आत्मनोमोक्षार्थ जगत हिताय चाह, राम जी की बड़ी कृपा है हम पे, क्योंकि बिना राम की कृपा के संतों का संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप भी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, ताकि क्षेत्र का विकास और जनता के कल्याण का काम हम करते रहें। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, बिंद की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया, आपने 2008 में आशीर्वाद दिया, आपने 2013 में भाजपा को आशीर्वाद दिया और 18 में भी बिंद ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था, मैं आभारी हूं आपका और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा।
तो बोलिए भारत माता की। आपके आशीर्वाद की अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अद्भुत नेता, अद्वितीय नेता, और कहते हुए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं है, आज पूरी दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जमघट लग रहा है दिल्ली में विश्व के नेताओं का। हमें गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और चित्रकूट वासियों, मझगवा वालों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? काम बोलता है, सड़कें देख लो। और मझगवा वालों, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, दौरी सागर बांध आपकी मांग थी कि इस इलाके में भी खेतों में सिंचाई होनी चाहिए। 227 करोड़ रुपए की लागत का दौरी सागर बांध भूमि पूजन में नहीं कर पाया, लेकिन अब निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये दौरी सागर बनेगा। दौरी सागर पे तो जरा जोर से ताली हो जाए। ये सूखा क्षेत्र कांग्रेस की सरकारों ने बरसों तक यहां सिंचाई की कभी व्यवस्था नहीं की। 50-60 साल राज किया, कांग्रेस ने क्या दिया था? याद करो मझगवा वालों, चित्रकूट वालों, जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहता था। बताओ, रहता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, रहता था कि नहीं? हमने सरकार आने के बाद यह कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैतों का सफाया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। एक तरफ आतंक का अंत और दूसरी तरफ विकास के काम। यह विधानसभा ऐसी थी जहां हम ज्यादा नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमने विकास के कामों में कसर नहीं की। सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंध, सिंचाई के, और सुन लो, केवल दौरी सागर नहीं रहेगा, अभी नर्मदा मैया का पानी नागौर तरफ से आने वाला है। टनल का काम बहुत कठिन है, वो लगातार चल रहा है, तो नागौर तक पानी नहीं रहेगा सीमित। उस पानी को बाद में दौरी सागर में छोड़ेंगे और दौरी सागर की नहरें बना के सीधे सीधे मंदाकिनी नदी में नर्मदा जी का पानी मिला दिया जाएगा। नर्मदा मैया और मंदाकिनी मैया का संगम होगा। कौन कर सकता था? क्या कांग्रेस ये कभी कर सकते थे? अब जो नहरों का काम यहां से लेके मंदाकिनी तक, वो भी 300 करोड़ रुपया का स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गए, उसका काम भी शुरू करेंगे। किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, डिफाल्टर बना दिया किसानों को। और वो डिफाल्टर बनने के बाद हमने 2200 करोड़ रुपया ब्याज के किसानों को भरने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा, शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया रे, तू भी तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4000, लेकिन अब तय किया 6000। पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। साल में 12000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कब किया था कांग्रेस ने? मेरी लाडली बहनाएं बैठी है उधर, बड़ी संख्या में बैठी है मेरी लाडली बहनाओं। अरे कांग्रेस ने कभी तुम्हारे खाते में पैसा डाला था क्या? आज तो बहने जोर से बोलो, कभी डाला था क्या? और अब सबके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बहनों, जिंदगी बदलने का काम, माँ और बहन की जिंदगी में तकलीफ ना रहे, कष्ट ना रहे। अरे स्त्री का केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है क्या? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? और इसलिए मुख्यमंत्री
लाडली बहना योजना बनाई तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। 15,000 करोड़ रुपया सीधे एक साल में खातों में डालेंगे तो हम डालेंगे बहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेंगे। अगर राखी के पहले 250 रुपया आ गए कि नहीं आ गए तो हाथ उठा के बहनों बताओ दास, आ गए। और अब 10 तारीख को फिर आने वाले हैं। ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, आपको सम्मान दिया है, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया है। जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अरे कहीं ऐसी सरकार देखी है? 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या दिया था? ये गरीब कल्याण का महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। फ्री में सबको राशन कौन ने दिया था? दिया था कभी कांग्रेस ने? अरे दिया था कभी कांग्रेस ने? तो जोर से बोल के बताओ, दिया था? कब दिया कांग्रेस? गरीबों के मकान बन जाए, कई जगह गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा छोटा पड़ गया था क्योंकि परिवार बढ़ गया था। और हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के कि हर गरीब जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। फिर उस जमीन पर मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,00,000 से ज्यादा मकान बने हैं तो सतना जिले की धरती पर बने हैं। लेकिन कुछ बहनें अभी भी कहती है हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। तो चिंता मत करना मेरी बहनों, जो छूट गए हैं उनका भी सर्वे करके और उनका भी पक्का मकान बनवाया जाएगा, कोई गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। बोलो सबका मकान बनना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की जिंदगी बदलती है, झूठे वादे नहीं करते। बेटा बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अभी अभी जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हायर सेकेंडरी में, उनको स्कूटी देना हो, लैपटॉप देना हो। और मेरी बहनों ये याद रखना, ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद, साइकिल देने की योजना बंद, बहनों के खाते में बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 डालते थे वो बंद, जन्म के बाद 12,000 डालते थे वो बंद, बेटियों की शादी की योजना बंद, और तो और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा तक बेईमान कांग्रेस ने बंद कर दी थी बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने कमलनाथ? तीर्थ यात्रा तक बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी है, लेकिन बुजुर्गों अब केवल रेल से नहीं, अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, हवाई जहाज से। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? सारी योजना बंद कर दी। आज मैं नड्डा जी के सामने बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी संपूर्ण कल्याण कर रहे थे लेकिन पीएम आवास के मकान कमलनाथ जी आपने लौटा दिए। गरीबों के साथ अन्याय। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब गांव-गांव में पीने का पानी जा रहा है। कमलनाथ तुमने तो जल जीवन मिशन शुरू नहीं करके जनता को धोखा दिया, जनता के साथ बेईमानी की, और किसान सम्मान निधि का सूची नहीं भेजी पीएम के पास। किसानों को तुमने वंचित करने का पाप किया है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, आज तो मैं निवेदन करने आ रहा हूँ, आज निवेदन करने आया हूँ कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है। और एक बात और याद रखना, अंत में एक महीने से पानी नहीं गिरा है, किसान संकट में है, हम भरसक प्रयास करेंगे। किसान भाइयों चिंता मत करना, वैसे तो भगवान की कृपा बरसेगी, पानी आएगा, लेकिन अगर संकट भी आया तो मैं आपको कह रहा हूं चिंता मत करना, मोदी जी के आशीर्वाद से इस संकट के पार निकाल ले जाएंगे आपको, कोई चिंता मत करना। जो परिस्थिति होगी निपटेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संकल्प है आपकी सेवा का संकल्प। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है तो बताओ आपके आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी,
उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना, पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं हम तो करके दे देते हैं। मेरी बहनों ने कहा भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, परेशानी हो रही है, तो मैंने बिजली के बिल स्थगित कर दिए। बिजली का बिल जो बड़ा हुआ था वो स्थगित, चिंता मत करना, अब रेगुलर बिजली का बिल ही आएगा। जो समस्या थी उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल के बटन दबाइए, ताकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपकी फिर बेहतर सेवा कर सके। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, जोर से सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आशीर्वाद दीजिए भारत माता की जय बोल के। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये धरती भगवान राम की तपोभूमि है, और यहाँ भगवान राम ने संकल्प लिया था कि निश्चर हीन करहूं वही, भुज उठाए प्रण कीन, और समय ऋषि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। मैं मर्यादा के निष्कलंक जीवन के साथ राजनीति करने वाले मर्यादा पुरुष आदरणीय नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता का हम स्वागत करेंगे, माननीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, जरा जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हमारे इस चुनाव प्रबंधन को देख रहे भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार में मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी, हमारे राज्य मंत्री फागन सिंह कुलस्ते जी, गणेश सिंह जी, सतीश शर्मा जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी जो यात्रा के कार्य देख रहे हैं, संयोजक हैं, मंच पर आसीन सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, और प्रभु राम के तपोभूमि पर एकत्र आए देवियों और सज्जनों जो जन आशीर्वाद यात्रा में जन आशीर्वाद देने के लिए आए, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री राम के तपोभूमि पर आज इस जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जन आशीर्वाद यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों से चल रहे अथक प्रयास, संकल्प
तपस्या और समर्पण का विषय को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के हम सब लोग चले, और इसीलिए इस जन आशीर्वाद यात्रा में 10,500 किलोमीटर का सफर करके 5 स्थानों से 230 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के जो काम हमने गरीब कल्याण के लिए किया, जो काम हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, जो काम हमने किसानों के कल्याण के लिए किया, जो काम हम लोगों ने युवाओं के उत्थान के लिए किया, जो काम हमने समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन का आशीर्वाद लेना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हम इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे और मध्य प्रदेश की सेवा में फिर से जुट जाएंगे, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1998 में पहली बार प्रदेश में मंत्री बना था। उस समय मैं अपने प्रदेश में बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब देश के आंकड़े आते थे तो उसमें कहा जाता था कि हम स्वच्छता में पिछड़े हैं, हम विकास में पिछड़े हैं, हम स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हम शिक्षा में पिछड़े हैं, हम महिलाओं के स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हर तरीके से हम पिछड़े हुए दिखते थे। तो मैं उस समय पूछा करता था कि भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरे प्रदेश के आंकड़े तो इतने उत्तम हैं, उसके बावजूद भी हम कैसे पिछड़े हुए? तो बताया जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह बीमारू राज्य विकास को नीचे खींच करके ले जाते हैं। लेकिन आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित राष्ट्र के रूप, विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, एक विकसित प्रदेश के रूप। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी, आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 2002 में 7,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी मध्य प्रदेश में, आज 2023 में 5,00,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश में बन करके तैयार हुई। हमारे 2002 में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 620 सीटें हुआ करती थी, 620 सीटें, आज 4,000 से ज्यादा मेडिकल की शिक्षा प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में हो रही है, यह भी हम।
हमारे यहां शिक्षण संस्थान कॉलेजेस 310 थे 2002 में और आज 536 शिक्षण संस्थान एजुकेशनल कॉलेजेस बने हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहां इंडस्ट्री के नाम पर, उद्योग के नाम पर कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं था। मैं आपके सामने, युवाओं के सामने 20 साल पहले की तस्वीर खींच रहा हूं और आज जहां मध्य प्रदेश में पहले 23 इंडस्ट्रियल एरिया थे, आज मध्य प्रदेश में 112 इंडस्ट्रियल एरिया में काम चला है और इंडस्ट्रीज लगी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में उद्योग सिर्फ 6% थे, 0.6%, 0.6%। आज मध्य प्रदेश में उद्योगीकरण 24% तक पहुंचा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास के साथ आज मध्य प्रदेश खड़ा हो गया, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर एक पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश ने नंबर एक की बाजी मारी है और नंबर एक पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रसूति से लेकर के हर तरीके के बच्चों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी, उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर एक पर पहुंचा दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। बताइए नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर एक पर पहुंचाओगे कि नहीं, पहुंचाओगे कि नहीं, कमल खिलाओगे कि नहीं, आगे बढ़ाओगे कि नहीं। मध्य प्रदेश को नंबर एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मित्रों, जब मैं आज 5G की बात करता हूं मोदी जी की, तो ये 5G क्या है? ये कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन ये ग्रोथ का इंजन है, ये गुड गवर्नेंस का इंजन है, ये गुडविल का इनर्जेशन है, ये गारंटी की जिम्मेवारी है और ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ 5G है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने जनता तक विकास को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग समर्पित हैं, संकल्पित हैं, किस बात के लिए? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। और हमारी तमाम योजनाएं, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, आज गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 13,50,00,000 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं, ये भारत की बदलती तस्वीर है।
ये गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को भूखे रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है, इसलिए अति गरीबी भारत में 0.1% से भी कम हो गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जहां 9.5 करोड़ हमारे गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया, वहीं अभी राखी के अवसर पर पहले 200 रुपए का छूट और फिर से 200 रुपए की छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया और बहनों को एक तरीके से उनको तोहफा देने का और उनको बहनों को याद करने का काम किया। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो आज भारत 11वें नंबर से आर्थिक व्यवस्था में छलांग लगा करके 5वें नंबर पर खड़ा हो गया है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा, ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। इसको लेकर के हमने आगे बढ़ना। आपने कभी सोचा था 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनता है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, यह परिवर्तन आया है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत 3रे नंबर पर खड़ा है, स्टील में 2रे नंबर पर खड़ा है और दुनिया में जब आर्थिक मंदी है तो भारत एक आशा की किरण के साथ सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम आपके सामने, आज हमारे लिए खुशी की बात है, हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया, कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है, इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी। मित्रों, मध्य प्रदेश भी विकास में कोई कमी नहीं कर रहा है, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज सब में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 34 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के सबसे मॉडर्नाइज होकर के 2 साल में तैयार हो जाएंगे और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कुछ ही दिन पहले किया है, यह भी हम सबको मालूम है। अगर मैं बात करूं हमारे हाईवेज की, तो 33,000 करोड़ रुपए सिर्फ हाईवेज पर खर्च हुआ है और चंबल का एक्सप्रेस हाईवे उस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसी तरीके से इंदौर से भोपाल तक मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह है विकास की कहानी, यह है विकास को आगे बढ़ाने की कहानी। बताइए, ऐसे जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आप हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो जिन बातों के लिए शिवराज जी ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं का सशक्तिकरण, लाडली बहना योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज को विकसित करने का रास्ता, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज 14 मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए और मुझे खुशी है गणेश सिंह जी, मेरे ही स्वास्थ्य मंत्री काल में आप
आपको भी मेडिकल कॉलेज मिला मोदी जी के आशीर्वाद से, और यहाँ की जनता को वह समर्पित हुआ है, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। उसी तरीके से हमारे शिवपुरी के हमारे ज्योतिरादित्य जी बैठे हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से उनका मेडिकल कॉलेज से वो वंचित हो गए थे, उनको भी मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास किया है। हमने तो छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो खांडवा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो दतिया में भी, रतलाम में भी और सतना में भी मेडिकल कॉलेज को खुलवाने का काम किया है। इसलिए विकास की नई नई कहानियां हम सब लोगों ने रची हैं। फिर चाहे अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे अमरकंटक हो, 100 करोड़ रुपए की लागत से इन स्थानों को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और शिवराज जी उनको धरती पर लगा रहे हैं। मित्रों, मैं अगर विकास की कहानी कहूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना कमलनाथ का, करपनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो जागरूक होकर के कमल के निशान को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका होगा, ये आपको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, अभी मैं जब यहां बैठा हूं, मेरे पीछे राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं। कभी सोचा था कि 750 मेगावाट का जो सबसे बड़ा हमारा एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट वो कभी लगेगा? एशिया का कहां लगा? मध्य प्रदेश में लगा। कहां लगा? रीवा में लगा। ये है प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के प्रति सोचने का तरीका और उसको विकसित करने का तरीका। मित्रों, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 50% लोकल सेल गवर्नमेंट में उनको रिजर्वेशन दिया गया। हमारे टीचर्स के रिक्रूटमेंट में उनको 50% की रिजर्वेशन दी गई और हमारे पुलिस के रिक्रूटमेंट में 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है। ये आज विकसित महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि कैसे मध्य प्रदेश विकसित हो सकता है और करना है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा और वो बड़े दुखी होकर के और आक्रोशित होकर के आपसे मैं एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग तो देश के काम में जुटे हैं। ये एनडीए का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ाने के लिए लगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करनी है जिससे सारा भारत आक्रोशित है, आक्रोश में है और उसके साथ साथ पीड़ा में। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार
दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वो हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़ मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो, उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। ये है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड, और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते। आप बोलिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? मैं ये इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन से सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, मुझे जवाब चाहिए और देश को जवाब चाहिए कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है, वह इंडी अलायंस का और घमंडिया गठबंधन का रणनीति का राजनीति का हिस्सा है? क्या वह रणनीति बनी है? और क्या आपने मुंबई में यह रणनीति बना करके आप उतरे हैं? और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप आने वाले चुनाव में आप सनातन धर्म को समाप्त करने की राजनीति के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं? अगर आप जाने वाले हैं, और अगर नहीं, आपने तय किया है कि कुछ भी भारत से जुड़ा हुआ हो, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का सनातन धर्म, भारत की सोच, भारत का गौरव इतिहास, इससे आपका कोई लगाव नहीं है और आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत फैलाने वाला कार्य कर रहा है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा यहां जहां आप जन आशीर्वाद यात्रा में आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वहीं आप संकल्प लें
कि ऐसे इंडी अलायंस को आप जमीन से उखाड़ करके फेंक देंगे ना, आप जमीन से उखाड़ के फेंकेंगे ना, फेंकेंगे ना। इनको रहने का अधिकार है क्या? ऐसी विचारधारा को रहने का अधिकार है क्या? ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बजाय नफरत फैलाने वाली दुकान को बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, यही आवश्यक है और इसलिए आपको दो तरफ से काम करना पड़ेगा। एक, अच्छे काम को बढ़ाना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म पर आघात करने वाले लोग हैं, इनको घर बैठाना पड़ेगा और भारत देश को आगे मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका प्रेरक उद्बोधन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। अब मैं सतना जिले के अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो